सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। किसी को भी समझ गया रहेगा कि दिस इज कितना सिंपल, और बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि ये खाना चाहिए, ये कट कर दो, राइस कट कर दो। हेलो गाइज, माई नेम इज़ यज्ञेश गोहिल। वेलकम टू मसल शास्त्र, योर अल्टीमेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिटनेस। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फैट क्यों नहीं लूज़ कर पा रहे हो, और इसके पीछे रीज़न बड़ा ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग यह बोलते हैं कि अरे मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मैं फैट लूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपने सब कुछ ट्राई किया बट जो चीज़ करनी चाहिए वो आपने नहीं की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ने 18 केजीज ऑफ फैट लूज़ किया है, और उसके बाद मैंने प्रॉपर मसल गेनिंग की है, और मैं खुद एक न्यूट्रिशन कोच हूँ, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स लोग को भी फैट लॉस में हेल्प किया है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आपको कि फैट स्टोर कैसे होता है। तो सबसे ईजी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा एक वाटर बॉटल और पानी का। वाटर बॉटल यहाँ पर हमारी बॉडी है और पानी फूड है। तो हमें पता है कि वाटर बॉटल में कितना पानी फिट होने वाला है, तो हम उतना ही भरते हैं, ना उससे ज़्यादा भरते हैं ना उससे कम भरते हैं। और अगर हमने एक्स्ट्रा पानी भर दिया तो वो पानी बाहर आ जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने जितना पानी डाला बॉडी के अंदर आपने जितना खाना डाला उतना वो यूज़ कर लेती है। पर अगर उसको जितना खाना चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो उसका खाना, तो वो स्टोर कर लेती है एज़ फैट टमी और सब जगह पे। बॉडी फैट को स्टोर क्यों करती है, इसके पीछे भी एक अच्छा रीज़न है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा पानी का ही। जब हमें पता चलता है कि कल या परसों मेरे घर पे पानी नहीं आने वाला, तो हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रख देते हैं ताकि हम उसे वो डे पे यूज़ कर सकें जब पानी आने ही नहीं वाला। तो वैसे ही बॉडी को लगता है कि ये एक्स्ट्रा खाना मेरे पास है तो मैं इसे वेस्ट क्यों करूँ, मैं ये स्टोर करके रखता हूँ, कल या परसों अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं ये जो फैट है फूड को ही जो स्टोर किया हुआ है मैं वही यूज़ करके मेरा सर्वाइवल कर लूँगा। तो बॉडी इतनी स्मार्ट होती है। तो जब आप वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ ज़्यादा खाना खा रहे हो रोज़ डेली, तो बॉडी फैट स्टोर करते रहेगी और आपका वेट बढ़ते रहेगा, और देखते ही देखते वेट इतना बढ़ जाता है कि बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको खुद को लगता है मिरर में देख के कि बहुत ज़्यादा पेट आ गया है, अभी हमें लूज़ करना चाहिए। फिर आप लूज़ करना चाहते हो बट आप सब कुछ ट्राई कर देते हो बट लूज़ नहीं होता। आपने सब कुछ ट्राई नहीं किया, आपको अभी सिर्फ इतना करना है कि बॉडी को जितना खाना चाहिए उससे आपको थोड़ा सा कम खाना है, ताकि जो बाकी जो एक्स्ट्रा चाहिए उसको एनर्जी वो फैट से ले सके, और इसे हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप आपका वेट चेक करते रहो ऑन डेली बेसिस, मतलब 7 से 10 दिन कंटिन्यूस रोज सुबह वॉशरूम जाने के बाद वेट चेक करो और देखो कि आपका वेट क्या आपको कह रहा है। मेरा मतलब है कि वो मेंटेन्ड है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अभी भी आप ज़्यादा खाना खा रहे हो जितना बॉडी को चाहिए, तो तभी आपको खाना कट करना पड़ेगा। अगर आपका 10 दिन 12 दिन आपका वेट मेंटेन्ड है, इसका मतलब आप जितना बॉडी को चाहिए आप उतना ही खाना खा रहे हो। लोग जब कहते हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, वो क्यों, क्योंकि जितना आप दे रहे हो बॉडी को उतना वो यूज़ कर रही है। सिंपल है, इसके पीछे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जिम ज्वाइन करना है, या तो कुछ एक्टिविटी करनी है जिससे बॉडी एनर्जी यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको रनिंग पसंद है तो आप रनिंग कर सकते हो, एक्टिविटी कोई भी हो चलेगा बट थोड़ा मेहनत लगना चाहिए वो एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल स्विमिंग हुआ, बैडमिंटन, या तो क्रिकेट हो गया, बॉलिंग करते हो आप, ओवरम, कुछ भी जिससे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही हो। तो इससे क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें बॉडी कैलोरीज नॉर्मल डेज से ज़्यादा बर्न कर रही है, तो इसमें आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये करके भी आपका वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आपको एक सेकेंड सिंपल सा स्टेप करना है कि थोड़ा सा आपको खाना कट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर लंच में आप 3 चपाती खा रहे हो तो उसकी जगह पर आपको सिर्फ 2 चपाती खाना है, और रात को अगर आप 4 चपाती खा रहे हो तो उसके जगह पर 2 चपाती खाना है। ऐसा नहीं कि आपने सब चपाती एक साथ कट कर दी, ऐसा मत करना। वेट ड्रॉप होना स्टार्ट तो हो जाएगा उसके बाद आपका, बट आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में लो फील करोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा खाना कट करना है और एक्टिविटी करनी है, और आपका वेट आपको रोज़ चेक करते जाना है। और अगर ये करके भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप फिर भी थोड़ा ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा खाना कट करना है। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि आप रोज़
रोज़ खाना कट नहीं कर रहे, क्योंकि बॉडी को वेट ड्रॉप करने के लिए कम से कम 7 to 10 days जाते हैं। तो 7 to 10 days तक आपको देखना है, और फिर आप देखते हो कि आपका वेट नहीं ड्रॉप हो रहा है, आपका रोज़ वेट सेम ही है, तो ही फिर आपको खाना कम करना है। और ये करते करते अगर आपको ये लग रहा है कि आपका फूड बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो जिम के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3rd या 4th floor में रहते हो, तो आप लिफ्ट यूज़ करने के जगह पर आप सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हो, तो ऐसे आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। अगर आप दिन में 4 या 5 बार भी नीचे उतर रहे हो, तो आपको फिर से चढ़ के आना है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। तो दिस इज सिंपल कि आपका वेट ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितना खाना दे रहे हो बॉडी को, उतना ही वो बर्न कर रही है। और आपका वेट बढ़ता क्यों है, क्योंकि जितना बॉडी को चाहिए आप उससे बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, किसी को भी समझ गया रहेगा कि दिस इज़ कितना सिंपल, और बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि ये खाना चाहिए, ये कट कर दो, राइस कट कर दो, सिर्फ बॉइल्ड खाना खाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है, और आप देखोगे कि आपका वेट लॉस होते रहेगा। ये प्रोसीजर जो है वो सिर्फ उनके लिए है जो जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और वो कम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जो ओवर वेट है वो। और अगर आपका गोल है कि आपका फैट लॉस के साथ साथ जिम में मसल गेनिंग भी हो, आपका स्ट्रेंथ बढ़े, तो ये सब के लिए आपको एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना पड़ेगा। वो थोड़ा अलग प्रोसीजर है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। तो यस, दिस वॉज सिंपल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ लाइक, और ये वीडियो का आप शेयर भी कर सकते हो आपके कोई फ्रेंड से जिसका वेट ज़्यादा है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो। टिल देन, पीस आउट।